दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज 7 जुलाई 2023 की नई अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूँ, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं रेलवे में जारी हुई 900 प्लस पदों पर जो भर्ती है उसके लिए। उसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन से डिपार्टमेंट में 3000 प्लस पदों पर नई भर्ती आई है, नर्सिंग ऑफिसर पदोन्नति को लेकर क्या अपडेट है और आरपीसी की क्या नई अपडेट है। इसके अलावा इस माह में आने वाली कुछ नई भर्तियों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और आपके जो कमेंट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपडेट खुशखबरी, 305 कर्मचारियों को नर्सिंग ऑफिसर पद पर पदोन्नति। प्रदेश में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी मिडवाइफरी वालों के लिए खुशखबरी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभाग के पदोन्नति समिति ने बैठक कर जीएनएम प्रशिक्षण पास 305 विभागीय कर्मचारियों को नर्सिंग पद पर जो है आपके ऑफिसर पद पर पदोन्नति दी है। एक चीज आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डेली जो है वीडियो किसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, ठीक है। और आप सभी हैं तो ये चैनल का जो है तो आप सभी जो एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा हमेशा की तरह कि भाई प्लीज आप जो है हमेशा जब भी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको लाइक करके शेयर भी कर दिया करें। अगर देखिए, एएनएम व जीएनएम, एएनएम व संविदा नर्स के 3646 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को एक साथ दो भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड संविदा पर एएनएम और नर्स के 3646 पद भरेगा, जिसमें एएनएम के 2058, नर्स के 1588 पद इसमें रखे गए हैं, जिसमें आवेदन 10 जुलाई तक शुरू होंगे। अगला देखिए, पहली बार मिलिट्री साइंस, स्कल्पचर, आर्ट, हिस्ट्री जैसे विषयों पर भर्ती। 48 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1913 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 25 तक। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन 30 तक। 1398 बीएड व इंटीग्रेटेड कॉलेजों में 1,55,000 सीटों पर आवेदन के लिए दाखिला। इसके अलावा देखिए, आपके आरएस के अंतर्गत जो है इंटरव्यू लेटर जारी, साक्षात्कार 10 तक होंगे। अगला देखिए, साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 904 अप्रेंटिस की भर्ती रिलीज की गई है, जिसमें आपके फिटर के 380 है, वेल्डर के 55 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के 248 है, रेफ्रिजरेटर की 16 पोस्ट है, पासा के आपके जो है 138 पोस्ट है, मैकेनिस्ट की 13 पोस्ट है, टर्नर की 13 पोस्ट है, कारपेंटर की 11, पेंटर की 18 और स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट है। इसमें एज लिमिट 15 से 24 तक रखी गई है और आवेदन आप जो है 3 जुलाई से 2 अगस्त तक कर पाएंगे। इसके अलावा साथ ही इस माह के अंतर्गत आरपीएससी के द्वारा प्रोग्रामर भर्ती भी रिलीज किया जाना जो है संभावित बताया जा रहा है। वैसे 70% चांस है कि इस बार इस माह में आपके लिए भर्ती रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा आपके अगस्त माह के स्टार्टिंग में या इस माह के अंतिंग में जो है आपके संस्कृत विभाग के द्वारा नई कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो है वो रिलीज की जाएगी, ध्यान रखें साथ। और बिहार वाले जो भी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर इसी माह में आपके साइबर डिपार्टमेंट की वैकेंसी आने वाली है। अगर आप भी किसी भर्ती के ऊपर अपडेट प्राप्त करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।